नमस्कार दोस्तों, आपका वीलॉग प्लेनेट चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि भूकंप क्यों आता है और कैसे आते हैं, और इसकी टर्मोलॉजी भी डिस्कस करेंगे। पी वेव्स क्या होती है, एस वेव्स क्या होती है, और हाइपोसेंटर क्या होता है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली एनसीआर में अब तक 20 भूकंप आ चुके हैं। 20 में से 4 ऐसे भूकंप थे जिनकी तीव्रता 4 से भी ज़्यादा मापी गई है रिक्टर स्केल में। तो मैं उज्ज्वल कुमार सेवलिया, जियोलॉजिस्ट, आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और जो लोग इस चैनल में नए हैं, कृपया इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है। बेसिकली भूकंप एक तरह का कंपन होता है जो वाइब्रेशन के फॉर्म में होता है, जो बहुत ही तीव्र गति से उत्पन्न होता है, और किन्हीं भी दो रॉक के जो होते हैं मीडियम, उनमें स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलीज होने के कारण ये पैदा होता है, उत्पन्न होता है। और ये सडनली वाइब्रेशन उत्पन्न होता है और पृथ्वी की सतह पर इस आने पे इसे हम भूकंप कहते हैं जनरली। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ भूकंप आने पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है। भूकंप के आने से देखो, रेल लाइनें पूरी डिस्टर्ब हो सकती है, रेलवे का पूरा नेटवर्क गड़बड़ हो सकता है, रोड और हाईवे में दरारें पड़ जाती है, ब्रिज और डैम में कोलैप्स होने के चांस होते हैं, और रिवर तो अपना रूट कई बार चेंज भी कर लेते हैं, माउंटेन भी चेंज हो जाते हैं साइज से। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज मैं आपको भूकंप की कुछ टर्मोलॉजी के बारे में बताता हूँ। क्या भूकंप के बारे में आप सुनते होंगे टीवी में और रेडियो में, देखते होंगे, सुनते होंगे कि कुछ बताते होंगे फोकस, एपिसेंटर। आप सोचते हैं ये है कि एपिसेंटर क्या होता है, फोकस क्या होता है, और इंटेंस सेस्मो करा, ये सब मैं आपको आज बता सकूँगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं फोकस। फोकस क्या होता है? अर्थक्वेक का वो हिस्सा होता है जहाँ भूकंप का सबसे ज़्यादा असर पाया जाता है, और ये एक पॉइंट होता है जहाँ भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा होती है। और भूकंप जो है फोकस के आसपास जो होता है उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा रहती है, और अर्थ सरफेस होती है जो अर्थ सरफेस पे उसके नीचे पाया जाता है, और अर्थ सरफेस के इस फोकस के जस्ट ऊपर ही एपिसेंटर, सरफेस के ऊपर एपिसेंटर मिलता है। यानी एपिसेंटर भी फोकस का जस्ट ऊपर, वर्टिकल या देखा तो ऊपर पाया जाता है, फोकस के जस्ट ऊपर सरफेस पर फोकस जो है वो अर्थ सरफेस के अंदर पाया जाता है। यही दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब आप एपिसेंटर तो समझ गए होंगे, एपिसेंटर जहाँ भूकंप अर्थ सरफेस के जस्ट ऊपर मिलता है। और तीसरा हम बताएंगे पॉइंट आपको कि आइसोसेस्मिक लाइंस क्या होती है। ये एक तरह की रेडिएटिंग वेव्स, तरंगे होती है जो अर्थक्वेक के आने के बाद उत्पन्न होती है, और जो ये वेव्स है फोकस से दूर जाती रहती है और इनकी तीव्रता कम होती रहती है क्योंकि डेंसिटी बदलती रहती है, इसलिए ये फोकस के चारों तरफ भी होती है कई बार। ओके, अब आप एक और पॉइंट बता दें, इंटेंसिटी से आप क्या समझते हैं भूकंप की इंटेंसिटी? तो जो किसी भूकंप की तीव्रता का पैमाना नापने का होता है ये इंटेंसिटी को, जिसमें हम तीव्रता से पृथ्वी की सतह में कितने पैमाने से भूकंप ने पृथ्वी की सतह को हिट किया, इससे इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी को समझने के लिए जनरली हम लोग सेस्मोलॉजिस्ट या रिएक्टर स्केल यूज करते हैं, जो कि 1 से 8 तक की तीव्रता तक बताता है। आज तक मानव जाति के इतिहास में 8 ही की भूकंप तीव्रता रिकॉर्ड की गई, उसके ऊपर का कोई भी भूकंप रिकॉर्ड नहीं किया गया है, और 8 के भूकंप तीव्रता पे तो लगभग पूरा नष्ट ही हो जाता है, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे बिल्डिंग हो, सब नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें भूकंप आप देख सकते हैं, देखो मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ, इसमें देख सकते हैं कि 0 से 2 तक की तीव्रता वाला होता है इस रिएक्टर स्केल में, उसमें हमें कुछ महसूस नहीं होगा, इसे सिर्फ हम सेस्मिक स्टेशन जो होते हैं उनमें ही रिकॉर्ड किया जा सकता है। और उसके बाद 4, 4 to 5 में आप देखोगे तो इसके बाद में हल्का झटका महसूस होता है, जिसे अभी जैसे आप अभी दिल्ली एनसीआर में महसूस कर रहे हैं कि 4 to 5 में आ रहे हैं, उसमें दीवारों की में जो तस्वीरें की हिल जाती है, पंखे और लाइटें भी हिल जाती हैं, मूवमेंट होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है स्केल, हम जिसको बोलते हैं 6.5 है वो, उसमें स्केल में मॉडरेटली होता है और महसूस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें भूकंप रोधी बिल्डिंग ये और पुलों में भी डिस्प्लेसमेंट मिलता है ना, और जो इमारतें होती है रोड होती है उनमें भी छोटे छोटे क्रैक्स बन जाते हैं, दीवारों में दरारें आ जाती है, और 7 से 8 वाले स्केल में तो सबसे ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह लॉस्ट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ इसके रिकॉर्डिंग करने वाले सेस्मोग्राम के बारे में। सेस्मोग्राम क्या होता है? एक तरह की रिकॉर्डिंग मशीन होती है जो ग्राफ में रिकॉर्ड करती रहती है, ग्राफ की फॉर्म में रिकॉर्ड करती है। जैसे ही भूकंप आता है वो भूकंप को एक ग्राफ में रिकॉर्ड होता रहता है, टाइम इंटरवल और तीव्रता और इंटेंसिटी के बीच रिकॉर्ड होता है। प्राइमरी लाइंस जो होती है वो सबसे पहले रिकॉर्ड होती है इसमें से, फिर सेकेंडरी वेव्स रिकॉर्ड करती है, और ये जो रिकॉर्डिंग है ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरह की वेव्स को रिकॉर्ड करती होती है। ठीक है दोस्तों, और एक आपको अच्छी बताऊँगा, भूकंप के अलावा आपने सुनामी का नाम तो सुना होगा। सुनामी क्या होता है? भूकंप अगर ओशन क्रस्ट में आ जाए, मतलब समुद्र के अंदर जो क्रस्ट होता है, सरफेस होती है, उसके अंदर आता है, तो
उसके अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है वो वाटर में ट्रांसफर हो जाती है। वाटर में इतनी हाई एनर्जी हो जाती है कि ये 30 किलोमीटर तक भी फुल स्पीड में जा सकता है और 30 किलोमीटर तक इसकी हाइट होती है। इसे ओशन तट पे भारी तबाही मचा देता है। फुल ये जो होता है ये तरंगे जो होती है फुल इंटरेस्ट स्ट्रेंथ के साथ तट पे हिट करती है। ठीक है, अब आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ। इसकी जो वेव्स होती है जो भूकंप में जो रिलीज होती है वो कितनी प्रकार की होती है, कैसे होती है। तीन तरह की वेव्स रिलीज होती है। एक पी वेव्स बोलते हैं जिसको प्राइमरी वेव्स भी बोलते हैं। दूसरा एस वेव्स होती है जिसको सेकेंड वेव्स बोलते हैं। तीसरा एल वेव्स होती है जिसको हम सरफेस वेव भी बोलते हैं। पी वेव्स क्या होते हैं, किसी भी दो प्लेट और रॉक्स जो होती है मासेस के बीच जो मूवमेंट हुआ है और जो शॉक वेव्स निकली है उन्हें हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। और इनकी प्राइमरी वेव की जो रिफ्लेक्शन होते हैं वेव्स जो क्रिएट होती है उनके रिफ्लेक्शन से जो प्राइमरी वेव के रिफ्लेक्शन से जो वेव क्रिएट होती है उसे उन्हें सेकेंडरी वेव्स या एस वेव्स कहते हैं। एस वेव को सेस्मोग्राम में आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि पी वेव की तो वेलोसिटी जो होती है वो अधिक होती है और एस वेव की इस तुलना में इनकी पी वेव की वेलोसिटी मतलब 1.7 गुना ज़्यादा होती है। तो इसी कारण पी वेव सेस्मोग्राम पहले प्लॉट होती है फिर उसके 1.7 समय के बाद एस वेव प्लॉट होती है और इसलिए आप पहले पी वेव्स को सेस्मोग्राम में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं तीसरी वेव्स होती है एल वेव्स या सरफेस वेव। इसको सरफेस वेव जो होती है इन ये दोनों पी और एस वेव के बाद जो एनर्जी और वाइब्रेशन सरफेस पे पहुंचते हैं इन दो पी और एस के बाद दोनों मिक्सर में जो सरफेस पहुंचते हैं और फिजिकली उस कंडीशन में आपका जो सरफेस है वो रोटेटिंग होती रहती है, मतलब वर्टिकल भी होता है हॉरिजॉन्टल भी होता है। उन सरफेस वेव को हम एल वेव्स या सरफेस वेव्स कहते हैं। वही वेव्स जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है दोस्तों, अब आपको मैं बताऊँ कि भूकंप आते क्यों हैं। आप सोचते होंगे भूकंप आता है क्यों है, टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण होता है। टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है कि नहीं, दो प्लेटें के बीच में जो मूवमेंट होता है और जब वो मूवमेंट अपनी चरम स्थिति में पहुंच जाता है तो स्ट्रेस और स्ट्रेन की फॉर्म में होता है और उस कंडीशन में वो अर्थक्वेक आता है और भयावह अर्थक्वेक होता है। टेक्टोनिक अर्थक्वेक भयंकर डिजास्टर लाता है दोस्तों। टेक्टोनिक अर्थक्वेक में लगभग भूकंप बहुत तेज़ी से आता है ना। जनरली जितने बड़े भूकंप आए वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण ही आते हैं। जो प्लेट मूवमेंट के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट किसी से टकराती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसी भूकंप आता है। तीसरा होता है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण होता है। आपने देखा होगा अभी जो छोटे छोटे द्वीप्स होते हैं वहाँ पर भूकंप आते हैं वॉल्केनो के इरप्शन के कारण। इवन जापान में भी आता रहता है। तो सामान्य भूकंप नॉर्मल वॉल्केनो इरप्शन के कारण आते हैं, ये सामान्य भूकंप होते हैं, उनमें कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता। और हम भूकंप को इस अपनी डेप्थ किस डेप्थ में है इसके बेसिस पे हम तीन तरीके से इसको बांट सकते हैं। एक सेलो फोकस भूकंप होते हैं जो अर्थ क्रस्ट के सरफेस के ऊपरी हिस्से में होने वाले एक्टिविटी कारण होता है जो 0 से 30 किलोमीटर तक गहराई तक मिलता है। जैसे आज जो भूकंप आया है वो 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक ही आया है। जनरली ये 35 किलोमीटर बताया गया लेकिन लगभग सेलो डेप्थ और इंटरमीडिएट के बीच का ये तो ये जो अलवर के पास आया है इसी हिस्से में आया है तो ये सेलो डेप्थ फोकस भूकंप। दूसरा होता है इंटरमीडिएट भूकंप होता है जो 30 से 250 किलोमीटर तक होता है गहराई में मिलता है। इसका कहना मतलब 30 से 250 किलोमीटर में भूकंप काफ़ी हलचल पहुँच जाता है। और तीसरा होता है डीप फोकस अर्थक्वेक होता है जो 250 से 650 किलोमीटर तक गहराई में होता है और ये काफ़ी इसको डीप फोकस हम भूकंप बोलते हैं। धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब भी करें। अगला पार्ट टू में वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें बताऊंगा कि दिल्ली एनसीआर में क्या एक बड़ा भूकंप आने वाला है और इस भूकंप की तीव्रता कितने तक हो सकती है और साथ ही मैं जियोलॉजिकली और जियोफिजिकली बताऊंगा कि भूकंप आने के कारण दिल्ली में क्या है। तो आप मेरे वीडियो को यूँ ही देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।